नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर अजय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। तो आज मैं आपको ये पावर सप्लाई मेरे पास आई है, ये दो पावर सप्लाई है। यहाँ पे ये सुगुन का है, ये क्या 3005D मॉडल DC पावर सप्लाई, और ये एक कोराट का है। ये भी जो है अपना 30 वोल्ट 5 एम्पियर, ये भी है 30 वोल्ट 5 एम्पियर। इसका मतलब जो यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब ये है 30 वोल्ट 5 एम्पियर, इसका भी यही मतलब है। ठीक है, ये मेरे पास दो मशीन पड़ी हैं। एक समय था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय ये था कि बैटरी चार्जर या रेगुलेटर सर्किट हुआ करते थे, या एलिमेटर सर्किट हुआ करते थे। तो एलिमेटर जो सर्किट था उसका ये विस्तृत रूप है, जो आजकल ये मॉडर्न रूप कहलाएगा, ये जो कि पावर सप्लाई के रूप में आ गया है। ये 5 एम्पियर तक कोई अच्छा काम करती है और 30 वोल्ट की रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, जो कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई थी। ये प्रैक्टिक यानी ये जो है यहाँ पर वेरिएबल पावर सप्लाई कहलाती थी, रेगुलेटेड होती थी। यानी ये 0 वोल्ट से यानी 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट पर काम करती थी। ये इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें ये अलग अलग टेपिंग निकाली गई हैं, वाइंडिंग एक है मगर टेपिंग अलग अलग है। देखिए सबसे पहले एक टेपिंग निकाली, ये जीरो की ये आ गई। उसके बाद ये स्विच लगाया गया, रोटरी स्विच, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट का एक टेपिंग निकाली गई। फिर निकाली गई एक 3 वोल्ट की, एक 4.5 वोल्ट की, एक 6 वोल्ट की, एक 9 वोल्ट की, और एक 12 वोल्ट की। तो ये यहाँ पे आ गए। ये जो रोटरी स्विच है यहाँ पर, ये जिस जहाँ पर रुकेगा जाके, जैसे यहाँ पे आ गया तो यहाँ से 9 वोल्ट आउट कर देता था। यदि यहाँ पर रुकेगा तो ये 6 वोल्ट आउट करेगा, और यहाँ रहेगा तो 4.5 वोल्ट, और ये 4.5 वोल्ट यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ 0 से आप यहाँ नापेंगे तो AC 4.5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया और डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, और AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट किया, और यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए ये आए यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 वोल्ट से 12 वोल्ट रेगुलेटेड आउट करते थे, 12 वोल्ट 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, और 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट यहाँ से आउट करते थे। ठीक है, तो इसका ये विस्तृत रूप है। ये जो है इसमें एक ही टेपिंग है, और अलग अलग रेगुलेटेड सर्किट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा के उसको रेगुलेटेड किया गया अलग अलग तरीके से। तो मैंने अभी आपको इसके बारे में जो जानकारी दी है, आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो मेरे को बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। मैं उसको कोशिश करूँगा उसको अच्छे से और अच्छे तरीके से समझाने की। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।